तेजस्वी यादव का विधानसभा नहीं पहुंचना हर ओर चर्चा का विषय बना हुआ है, मगर बिहार इन शॉर्ट्स पर हम अभी अभी एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। गुप्त सूत्रों के आधार से जो खबर मिली है वो राजद के भीतर एक बहुत बड़े टूट की संकेत दे रही है। दरअसल तेजस्वी यादव के विधानसभा नहीं पहुंचने का कारण कोई लिगामेंट इंजरी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। इस मांग को तेजस्वी लालू प्रसाद यादव के भी सामने रख चुके हैं और उसी के बाद अज्ञातवास पर चले गए। वापस नहीं आने की शर्त थी, मगर विधानसभा और प्रदेश की जिम्मेदारियों को देखते हुए वापस तो आना पड़ा। शायद इस बीच सच में कोई लिगामेंट इंजरी का इलाज हुआ, मगर वो शर्त नहीं पूरी हुई जो तेजस्वी यादव ने पिता लालू प्रसाद यादव के सामने रखी थी। इस शर्त को सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि इसके पीछे के तार बहुत ही खतरनाक हैं। यह जानकारी हमें एक गुप्त और खुफिया सूत्र के आधार पर मिली है, जिसका नाम नहीं बताने की शर्त पर यह जानकारी हम तक पहुंची है और अब हम यह बहुत बड़ा खुलासा आपके सामने करने जा रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव की नाराजगी की वजह और कोई नहीं बल्कि बड़े भाई तेज प्रताप यादव है। जी हां, आपके कानों ने सही सुना है, कारण तेज प्रताप यादव। आपको याद होगा वो वाक्या जब तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी लालू राबड़ी मोर्चा का निर्माण किया था। उसके बाद ही तेज प्रताप यादव क्षेत्र में प्रचार करने लगे, मगर राजद कैंडिडेट के पक्ष में नहीं, उसके विरोध में। शिवहर में अंगेश सिंह, जहानाबाद में चंद्र प्रकाश यादव, ये दोनों प्रबल उम्मीदवार थे। तभी क्या हुआ, जहानाबाद में चंद्र प्रकाश यादव 9000 वोट्स ले आते हैं और सुरेंद्र यादव महज 2000 वोट के अंतर से चुनाव हार जाते हैं। हर ओर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। मीडिया बार बार यह सवाल पूछने लगी कि आखिर इस हार का जिम्मेदार कौन। इकलौती सीट जो राजद जीतने वाली थी वो थी जहानाबाद की सीट, और वो भी राजद हार गई बेटे के बगावत के कारण। हर ओर सवाल उठने लगे कि पार्टी का शीर्ष मंडल यह तय करेगा क्या तेज प्रताप यादव से इस्तीफा लिया जाएगा। इन सवालों के बीच पार्टी के भीतर भी नाराजगी उमड़ने लगी और यह नाराजगी बढ़ते बढ़ते तेजस्वी के कानों तक पहुंची। तेज प्रताप पहले भी तेजस्वी के भाइयों को किनारा करते दिखे हैं। भाई कौन, मनी यादव, नागमणि, ओम प्रकाश यादव, और अब तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव से किनारा कर रहे हैं। जी हां, खबरें ये बता रही हैं कि तेजस्वी ने लालू प्रसाद यादव के सामने यह शर्त रखा है कि या तो तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर किया जाए, नहीं तो वह पार्टी की जिम्मेदारियों को नहीं संभालेंगे, पार्टी की उम्मीदों पर काम नहीं करेंगे। अब आगे देखना है कि लालू के लाल बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से क्या राष्ट्रीय जनता दल इस्तीफा लेती है या फिर इन्हीं हालातों में पार्टी आगे बढ़ती है। क्या तेजस्वी यादव मानते हैं या रूठे रहते हैं, या तेज प्रताप इस्तीफा दे देते हैं। कई सारे अहम सवाल हैं और सवाल यह भी है जो गुप्त खुफिया सूत्र हम तक यह खबर पहुंचा रहा है, क्या उसकी बात सत्य है। अगर तेज प्रताप यादव इस्तीफा दे रहे हैं तो बिहार इन शॉर्ट्स की खबर की पुष्टि उसी के साथ हो जाएगी, लेकिन खबर सूत्र के आधार पर है तो हम इस खबर की सच्चाई का दावा नहीं करते, लेकिन मीडिया में यह चर्चाएं बहुत तेजी से घूम रही हैं। आने वाला वक्त ही बताएगा कि सत्य क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार इन शॉर्ट्स।